नरेंद्र मोदी जी कूड़ा उठा रहे हैं। अरे आपको कूड़ा उठाने का इतना शौक है तो दिल्ली में कूड़ा उठा रहे थे आप प्रगति मैदान पे, एमसीडी में भर्ती हो जाइए, रोज सुबह कूड़ा उठाने का ही काम करिए। क्या दिखाते हैं आप कूड़ा उठाकर कि आप अपने आपने आज तक पीएम कार्यालय में झाड़ू लगाई है आपने, जो आप बोलते हैं कि मैं कूड़ा उठाता हूं, ये उठाता हूं, वो उठाता हूं। आप बिना बात की जो ड्रामा करते हैं ना, सिर्फ फोटो शूट कराते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री हैं आप, ठीक है ना, कोई आप ये नहीं कि कोई बहुत बड़े फोटोग्राफर है, बहुत बड़े हीरो है, फिल्म के हीरो समझ रहे हैं आप अपने आप को। प्रधानमंत्री है, पद की गरिमा करिए। ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिर रही है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने की वजह से जो वहां पर जो है कुछ लोगों को नेताओं को लेकर चले गए, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार नहीं गिरेगी, ये बात मैं आज आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले जगह जगह सरकार गिराने की, लेकिन असफल रहेगी और मुक्की खाएगी, हर बार मुक्की खाएगी। अब कहीं सरकार नहीं गिरने वाली है, अब गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और आप ये बात मुझसे लिख के ले लीजिए, चाहे कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान सुनिए जनाब का, वो बोलते हैं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की किसी से चौकीदारी करवाऊंगा तो वो होंगे अग्निपथ के सैनिक। अरे अग्निपथ में जाने वाला, आर्मी में जाने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की वो करेगा हिफाजत है? आपका बेटा जो हाथ में बैट उठाए रखता है और आप जो हाथ में जूता लिए रखते हैं, आप करिए ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की हिफाजत। भारतीय जनता पार्टी ने आपको मंत्री बनाया है, देश की आर्मी के जवानों को मंत्री नहीं बनाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की हिफाजत करेंगे वो लोग सरहद की हिफाजत करेंगे। क्या लगता है आर्मी के अंदर जाने वाला कोई मुकेश अंबानी का बेटा है, या आर्मी के अंदर जाने वाला देश के गृह मंत्री का बेटा है, या आर्मी के अंदर जाने वाले वित्त मंत्री का बेटा है, या आर्मी के अंदर जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री का बेटा है? बताइए, आर्मी के अंदर जाने वाले टोटल गरीब परिवार के मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, देश के प्रति एक उनका एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, वो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की एक पॉलिसी रही और भारतीय जनता पार्टी उसी पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी को रद्दी पर फर्क नहीं पड़ता, देश की संपत्ति जले, देश की ट्रेनों में आग लगे, देश में बस जले, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। रेलवे कोई नरेंद्र मोदी जी ने अपने पैसों से थोड़ी खरीदी है, बस उन्होंने अपने पैसों से थोड़ी खरीदी है, गाड़ियां जो जल रही हैं गरीबों की अपने पैसों से थोड़ी खरीदी गई हैं। ये गरीबों की बस्तियां जलाते हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है भाई? ये तो गरीबों की बस्तियां जलाने वाले लोग हैं, गरीबों के घर उजाड़ने वाले लोग हैं। आपको क्या लगता है आर्मी के अंदर जाने वाला कोई मुकेश अंबानी का बेटा है, या आर्मी के अंदर जाने वाला देश के गृह मंत्री का बेटा है, या आर्मी के अंदर जाने वाले वित्त मंत्री का बेटा है, या आर्मी के अंदर जाने वाले शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री का बेटा है? बताइए, आर्मी के अंदर जाने वाले टोटल गरीब परिवार के मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे होते हैं, जो देश से प्रेम करते हैं, देश के प्रति एक उनका एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, वो देश के लिए सेवा करना चाहते हैं। लेकिन सरकार कुछ ऐसी स्कीमें लेके आती है, सरकार चल रहा है मदारी का खेल, ये समझना बहुत मुश्किल है जनाब। क्योंकि इस देश के अंदर रातों रात जो है नोटबंदी लागू होती है, 8 बजे मोदी जी आकर टीवी पे बैठते हैं, बोल देंगे डिमोनेटाइजेशन हो गया, नोटबंदी हो गई, लॉकडाउन लग गया, दोपहर में आके बैठे तो भाई आकर बैठे तो पता चला कि भाई सब कुछ बंद करा दिया इन्होंने, GST लागू कर दी, पता चला फिर बैठे दोपहर में आकर तो किसान बिल लागू कर दिया। अरे देश चल रहा है, क्या मजाक है ये? आप किसी से परमिशन नहीं लेते हैं, आप विपक्ष को सुनते नहीं है, आए दिन देश में लॉकडाउन लगता है, आए दिन देश जलता है, देश ठीक तरीके से उभर नहीं पा रहा है। लेकिन मोदी जी ने एक बात दिखा दी है कि 2014 से पहले तेजी से उभरती हुई भारत देश की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मोदी जी ने लगाम दिया है। एक प्रधानमंत्री ने पेंशन बंद करी, एक प्रधानमंत्री ने पक्की नौकरियां ही बंद कर दी, एक माँ कह रही है कि मेरे से पहले, मेरे पति से पहले तो मेरा बेटा रिटायर्ड हो गया है। दूसरी बात, जनरल वीके सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कह लीजिए या फिर भारतीय जनता पार्टी के गुलाम कह लीजिए, उनका एक स्टेटमेंट आया है, वो बोलते हैं कि आपको बोल कौन रहा है आर्मी में आने के लिए, आपको किसने कहा है? मतलब पहले आर्मी में जाने के लिए लोगों को फोर्स किया जाता था, लोग बोलते थे कि भाई मुझे आर्मी में जाना है, आप आर्मी में जाइए, जाके देश की हिफाजत करिए। और आज ये लोगों को डिमोलाइज कर रहे हैं, कह रहे कि आपसे कह कौन रहा है? अगर गरीब माएं अपने बच्चों को सरहद से हटा लेना तो देश की हिफाजत करने वाला कोई नेता का बेटा नहीं है। लेकिन मोदी का, अरे भाई मोदी चार साल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा एक बिल का नाम बताइए जो मोदी जी लेकर आते हैं और उसका विरोध देश में नहीं होता है, एक बिल बताइए ना। और आज मैं आपको बताऊं तो 99.9% कमेंट मेरे पास है, जो लोग मुझे गाली लिखा करते थे सोशल मीडिया पर, बोला करते थे, अभद्र टिप्पणी लिखा करते थे, आज वो मुझे सामने से लिखकर बोल रहे हैं कि मोहित भाई मैं गलत था, आप सही थे, आज मेरा आर्मी का एग्जाम सरकार ने कैंसिल कर दिया। दूसरी बात यह है कि धारा 144 लागू कर दी जाती है, कभी भी नेट सेवा बेहाल कर दी जाती है, अग्निपथ स्कीम आए तो उसका विरोध होता है, फार्मर बिल आए तो उसका विरोध होता है, नोटबंदी हो तो उसका विरोध होता है, GST हो तो उसका विरोध होता है, CNRC हो तो इसका विरोध होता है। क्या सरकार जनता को समझाने में असफल है? ये बताइए आप मुझे, एक बिल बताइए जो नरेंद्र मोदी जी लाए और शांतिपूर्ण तरीके से पारित हुआ हो। कोई ऐसा बिल नहीं है इस देश के अंदर। टोटल देश को जलाने की बात अगर कोई करता है तो मोदी सरकार करती है। अग्निपथ बिल हम कह रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है कैलाश विजयवर्गीय, उनका बयान सुनिए जनाब का, वो बोलते हैं कि अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की किसी से चौकीदारी करवाऊंगा तो वो होंगे अग्निपथ के सैनिक। अरे अग्निपथ में जाने वाला, आर्मी में जाने वाला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की वो करेगा हिफाजत है? आपका बेटा जो हाथ में बैट उठाए रखता है और आप जो हाथ में जूता लिए रखते हैं, आप करिए ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की हिफाजत। भारतीय जनता पार्टी ने आपको मंत्री बनाया है, देश की आर्मी के जवानों को मंत्री नहीं बनाया है। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की हिफाजत करेंगे वो लोग सरहद की हिफाजत करेंगे, देश की हिफाजत करेंगे, ना कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की हिफाजत करेंगे। अग्निपथ जो 4 साल के लिए स्कीम किया,
इसके लिए क्या कितना लुस्कान जगह जो। अरे अग्निपथ स्कीम में कहते रहो मैं आपको, अमित शाह के बेटे को बोलिए जय शाह को अग्निपथ की स्कीम इतनी बेहतर है तो अमित शाह अपने बेटे को बाहर निकाले बीसीसीआई से और अग्निपथ में भर्ती करवा दें। अभी शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एक ट्वीट किया था कि जब उनके बेटे ने एलएलबी की पढ़ाई करी थी, वकालत की पढ़ाई करी, तो उन्होंने ट्वीट करा तो अपने बेटे को वकालत की पढ़ाई से हटाकर उसको एक काम करें कि उसको अग्निपथ में भर्ती करवा दें। स्मृति ईरानी अपने बच्चों को अग्निपथ में भेज दें, बताइए ना आप मुझे। राजनाथ सिंह अपने बेटे को अग्निपथ में भेज दें पंकज सिंह को। तो हम तो सभी नेताओं को कह रहे हैं कि पहले आप तो भेजिए अपने बच्चों को अग्निपथ में, उसके बाद देश की जनता को बोलिएगा। वीके सिंह वही वीके सिंह है जो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं 6 महीने बढ़ाने को लेकर, और आज जब आर्मी के जो 4 साल कर दिए गए, 4 साल के पीछे का रीजन जानते हैं? 4 साल के पीछे का रीजन सिर्फ इतना छोटा सा है सर कि पेंशन के चंद पैसे बचाने के लिए आर्मी को सिक्योरिटी गार्ड बनाया जा रहा है। इस देश के अंदर प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का, इस देश के अंदर राष्ट्रपति का शासन 5 साल का, इस देश के अंदर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कार्यकाल 5 साल का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यकाल 5 साल का, इस देश में काउंसलर का कार्यकाल 5 साल का, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का, लेकिन जब बात आएगी आर्मी की तो 4 साल। क्यों आखिर, क्यों? पेंशन के चंद पैसे बचाने के लिए है। आज पूरा देश जल रहा है। आज आप ये बताइए, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिर रही है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिरने की वजह से जो वहां पर जो है कुछ लोगों को नेताओं को लेकर चले गए, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार नहीं गिरेगी, ये बात मैं आज आपको बता दूं। भारतीय जनता पार्टी लाख कोशिश कर ले जगह जगह सरकार गिराने की, लेकिन असफल रहेगी और मुक्की खाएगी, हर बार मुक्की खाएगी। अब कहीं सरकार नहीं गिरने वाली है, अब गिरेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और आप ये बात मुझसे लिख के ले लीजिए। दूसरी बात ये कि लाखों रुपया डेली का खर्च हो रहा है, रेडिशन के अंदर विधायक रह रहे हैं, लाखों रुपया डेली का खर्च हो रहा है, वो पैसा किसका पैसा? देश की गरीब जनता का पैसा, जो पैसा आप और मैं टैक्स पे करते हैं वो पैसा है। तो आप देश के जवानों को पेंशन नहीं देंगे, देश के जवानों को सरकारी सुविधा नहीं देंगे, लेकिन आप लाखों रुपया उड़ाएंगे अपने नेताओं को खरीद फरोख में। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लोगों को समझना चाहिए, जागना चाहिए, और चाहे अग्निपथ हो चाहे तमाम चीजों का विरोध करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप अरेस्ट करने वाले, मोहित शर्मा खुलेआम चुनौती देता है आपको। हम लोग बोलते हैं लेकिन हम संविधान का पालन करते हैं, हम कहीं पे हिंसा नहीं करते, हम खुलेआम बोल रहे हैं अग्निपथ गलत है, आप हमें उठा के बंद कर देंगे क्या? करिए, अरे खुलेआम चुनौती देते हो नरेंद्र मोदी सरकार को, अंदर तो बंद कराइए। आप मुकदमे करा चुके, मुकदमे कराते रहिए, आपके मुकदमे से मोहित शर्मा को डर नहीं लगता है। आपके जैसे कितने लोग हैं जो मुकदमे कराते हैं, एफआईआर कराते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कराइए एफआईआर। देश में प्रोटेस्ट करना मेरा संवैधानिक अधिकार है, राइट टू स्पीच मेरा संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार के लिए मैं मोदी अमित शाह से नहीं पूछूंगा, वो मेरा राइट है, और मेरा राइट मेरे से कोई नहीं छीन सकता, चाहे मोदी हो चाहे अमित शाह हो। हम शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाते, हिंसा का कभी समर्थन नहीं करते। जो लोग रेल जलाते हैं, जो लोग आग लगाते हैं, हम लोग उनका साथ नहीं देते, लेकिन जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जो आग लगे खेल रहे रेल जल, इसमें सरकार का कोई नुकसान है ना पब्लिक का नुकसान है इसमें? देखिए, इसमें नुकसान जो है वो जनता का ही है, देश की संपत्ति जल रही है, जनता का नुकसान है। आज लोग अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, काफी सारी ट्रेनें बंद हैं, लोगों को बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन नेताओं को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता इनको। नरेंद्र मोदी जी कूड़ा उठा रहे हैं, अरे आपको कूड़ा उठाने का इतना शौक है तो दिल्ली में कूड़ा उठा रहे थे आप प्रगति मैदान पे, एमसीडी में भर्ती हो जाइए, रोज सुबह कूड़ा उठाने का ही काम करिए। क्या दिखाते हैं आप कूड़ा उठाकर कि आप अपना, आप अपने आज तक पीएम कार्यालय में झाड़ू लगाई है आपने? जो आप बोलते हैं कि मैं कूड़ा उठाता हूँ, ये उठाता हूँ, वो उठाता हूँ, आप बिना बात की जो ड्रामा करते हैं ना, सिर्फ फोटो शूट कराते हैं, ये सब बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री हैं आप, ठीक है ना, कोई आप ये नहीं है कि कोई बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़े हीरो हैं, फिल्म के हीरो समझ रहे हैं आप अपने आप को, प्रधानमंत्री हैं, पद की गरिमा करिए। ये कूड़ा उठाने वाली वीडियोस, ये बीच साफ करने वाली वीडियोस, ये सब वाली वीडियोस अब शोभा नहीं देती हैं आपको, अपनी माँ से हाथ मिलाती हुई वीडियो, बंद कर दीजिए ये सब काम। ये सब काम छोटे बच्चों के होते हैं, जो बच्चे तैयारी करते हैं, जो बच्चे शूटिंग वोटिंग करते हैं, हीरो वीरो इनके काम होते हैं, ये सब चीजें जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करनी अच्छी लगती हैं, लेकिन आप इनको जब रियलिटी में फेस करेंगे तो सब बेकार लगता है, ठीक है? तो इस तरीके का ढोंग धतूरा मत दिखाइए। आप अगर रियलिटी में सफाई करने का इतना शौक है तो इस देश में हर साल लोग गटर की सफाई करते हैं, कितने लोग मरते हैं, लेकिन आपको उनके प्रति संवेदना ही नहीं है, आप तो सिर्फ ड्रामा करके दिखाते हैं। तो देश के लोगों से निवेदन है कि लोगों का साथ दें, के खिलाफ बयान है, बीजेपी से मेरा क्या लेना देना, हु इज दिस बीजेपी, मेरा खिलाफ सरकार के खिलाफ बयान है मेरा, मैं बीजेपी को नहीं जानता। बीजेपी की जैसी कितनी पार्टियां आती हैं जाती हैं, देश से भक्ति हैं, और बीजेपी के नेताओं को किस तरीके से बिहार में दौड़ाया जा रहा है पूरा देश जानता है। आज बीजेपी के नेताओं के मन में इतना खौफ है कि पार्टी का झंडा लगाने से डर रहे हैं वो लोग, समझ रहे हैं? तो ये खौफ बना रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।